पौड़ी में लोकसभा चुनाव के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ आशीष चौहान की निगरानी में निर्वाचन आयोग के ईएमएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का दूसरा रैंडमाइजेशन किया गया। कुल 1604 बैलेट यूनिट, 1604 कंट्रोल यूनिट और 1627 वीवीपैट रैंडमाइजेशन किया गया। इस दौरान पौड़ी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक पीयूष समारिया, लोकसभा प्रत्याशी और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। की गई ईवीएम की सूची राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पहली बार विधानसभावार ईवीएम रैंडमाइज किए गए थे, जबकि दूसरे रैंडमाइजेशन में ईवीएम को पोलिंग बूथों के लिए रैंडमाइज किया गया। ऑनरेबल ईसीआई के ऑब्जर्वर जो आए थे, ऑब्जर्वर साहब की उपस्थिति में हमारा ईवीएम रैंडमाइजेशन अन्य पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स की उपस्थिति में हुआ है और इस संबंध में हमने अपनी जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके 14 एसीज की जो ईवीएम्स हैं उनको पोलिंग स्टेशन वाइज रैंडमाइज किया गया और सिमिलरली हमारा पोलिंग पर्सनल का रैंडमाइजेशन भी आज ही स्केड्यूल था और पोलिंग पर्सनल का भी रैंडमाइजेशन माननीय ऑब्जर्वर महोदय के उपस्थिति में किया गया।